Hey everyone, a very warm welcome to Byju's exam prep and a very warm welcome to our 3 PM session. तो 3 PM sessions होते हैं हमारी history के और आज के इस 3 PM session में हम शुरू करने वाले हैं rapid revision. So as you all know, June का countdown has begun और अब हमने भी अपने countdown को आगे बढ़ाया है so that we start with lot of question sessions जो specifically आपको तैयारी में मदद करें. So before this session everyone, we had a couple of general sessions जहाँ पे हमने notes making के बारे में discuss किया था, graduation के साथ history कैसे पढ़ना है उसके बारे में हमने discuss किया था. तो we had discussed almost everything जो सारे aspirants के दिमाग में कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, but in today's session अब हम finally शुरू कर रहे हैं proper question session orienting for NET and SET. तो जो NET दे रहे हैं और जिन लोगों का SET examinations भी है, this session is for all of you क्योंकि national movement एक ऐसी topic है जो हर जगह आती है. So जल्दी जल्दी join in कर लीजिए और शुरू करते हैं हमारा आज का session. Okay, so let's see किस कौन कौन already हमें join कर चुके हैं. Okay, so Monica, very very good afternoon. Babita, Matangini, Jyoti, Sakshi, Sachin, Renu, Sandhya, very very good afternoon. So everyone, how are you doing and has the preparation begun or not? तो जो UGC NET की जो तैयारी है वो शुरू हुई है या time table वगैरह बन चुका है? I hope everything is going on absolutely great and एक fresh start आपको लेनी है. इवन दो यू हैव गिवन द प्रीवियस अटेम्प्ट, मान लीजिए आप रिजल्ट के लिए अवेट कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत शुरू जरूर कर दीजिएगा. रिजल्ट्स विल नाउ कम एनी टाइम. सो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, यू आर राइट ऑन ट्रैक, सुपर एक्साइटेड टू गिव द पेपर. तो चलो, इसर, शिवानी, आर्या, दीप्ति, अर्जुन, स्नेहा, प्रियंका, इंद्रपाल, शिवानी, मोनिका, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, जैसे जैसे जो भी सेट एग्जामिनेशन आते रहेंगे वी विल ऑब्वियसली इन्फॉर्म यू. कितनी बार हम नोटिफिकेशन वीडियोस बनाते हैं तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए. ठीक है मोनिका, एक्सपेरिमेंट बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, बट क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत टाइम से जो जो सेट एग्जामिनेशन किसी किसी स्टेट्स में नहीं हो रहे हैं, अब आप देखोगे लेटली कुछ कुछ सेट एग्जामिनेशन हुए हैं. तो लेट्स एक्सपेक्ट कि जो स्टेट्स में बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, क्या पता इस बार हो जाए. तो लेट्स हैव दिस वेरी पॉजिटिव आउटलुक, देखते हैं. ठीक है, बट इस बार ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे बहुत टाइम से नहीं हुआ था, फॉर 6-7 years 10 years, बट इस बार हो रहा है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर्स जो हमारे साथ पहली बार आए हैं. सो जो हमारे साथ पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, Byju's exam prep history for UGC NET. ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज वन एरिया जहां पे हम आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो भी हमारे पेपर टू हिस्ट्री के सेशंस होते हैं, चाहे वो ऐप पे हो या यूट्यूब पे हो, हम कॉन्स्टेंटली आपको लिंक्स भेजते रहते हैं दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, सो दैट आपका सेशन मिस ना हो. एट द सेम टाइम पेपर वन के सेशन हो गए, जनरल सेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गए, हर एक चीज का ये हमारा कम्युनिकेशन ग्रुप है. तो प्लीज इसको जरूर ज्वाइन करें. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वन, आई मीट यू 2 times. मैं आपसे ऐप पे मिलती हूँ 11 बजे मंडे को और मैं आपसे यूट्यूब पे मिलती हूँ 3 बजे थर्सडेज एंड फ्राइडेज को. ठीक है, और अब नया महीना चालू हो चुका है विच इज अप्रैल. तो नए महीने में हम नेट और सेट को एम करने वाले एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लासेस भी करेंगे, एट द सेम टाइम हम सेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी करेंगे. तो सारी चीजें साइमल्टेनियसली होगी. ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर विद द सेशन. ठीक है, अब इससे पहले कि हम सेशन के लिए आगे बढ़े एवरीवन, वी हैव अ मेगा वर्कशॉप बाय गुलशन मैम. ये है 7 अप्रैल को 6 बजे. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग जिनको पेपर वन में काफी कम स्कोर आया दिस टाइम, इनफैक्ट अगर आप अभी वाला अटेम्प्ट ले लो फरवरी 2023 का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल इन पेपर वन. तो अगर आपको पेपर वन में रियली में प्रॉब्लम होता है एंड यू हैव नो आइडिया कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करना है, या आपने बहुत मेहनत की है फिर भी क्वेश्चन नहीं निकल रहे, कई बार होता है ना कि शायद अप्रोच कुछ गलत हो सकता है, या मे बी आपकी कुछ स्ट्रैटेजिकल कुछ एरर हो रहा है, या मे बी सोर्सेस का कुछ एरर हो रहा है. सो वॉट इज द मास्टर प्लान? इस मास्टर प्लान में आपको सच कुछ पता चलेगा. एंड यू नो वेरी वेरी वेल कि जो पेपर हमारा पेपर वन है वो या तो मेक एंड ब्रेक पेपर है, या तो ये आपको जीआरएफ तक पहुंचा ही देगा और यू विल कम स्ट्रेट अवे डाउन. तो पेपर वन में स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी अच्छा स्कोर करना. तो प्लीज अटेंड दिस वर्कशॉप जो होने वाला है 6 बजे. इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो मे बी यू कैन जस्ट रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे ऐप का प्रोग्राम है एवरीबॉडी. सो अप्रैल का मंथ चालू हो चुका है,
हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सो 3 अप्रैल को मैंने आपसे लिया था इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया का सेशन। ये सेशन हमने थ्योरी सेशन किया था जहां पे मोस्टली आई गेव यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशंस, प्लस हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। सो ये सेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट सेशन मंडे को होने वाला है जहां पे वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे पूरा का पूरा सेशन करेंगे, क्वेश्चंस भी। देन वी हैव 17 अप्रैल को सेशन जहां पे हम इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन करेंगे। इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर आर दोज एरियाज जहां पे मोस्टली चीजें गलत होती हैं। व्हाट आर द न्यू क्वेश्चंस, कहां पे फोकस करना है, ऑल दैट वी विल बी डूइंग। और 24 अप्रैल को मंडे हम करने वाले एंशियंट ईयर, एंशियंट इंडिया के 2022 के जो पेपर हमारा अभी आया था अक्टूबर में, इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू एड मोर कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। सो जस्ट अप टू बी अप टू डेट, ये सारे क्लासेस होने वाले हैं बायजूस एग्जाम प्रेप में सुबह के 11 बजे। और कल का यूट्यूब स्केड्यूल क्या है, आज हम नेशनल मूवमेंट करने वाले हैं, कल 3 बजे यूट्यूब पे मैं आपके साथ करने वाली हूँ एप्स, ठीक है। तो वो लोग जो कॉलोनियल एक्ट, ब्रिटिश एक्ट पढ़ा आपने, रेगुलेटिंग पढ़ लिया, पिट इंडिया पढ़ लिया, काउंसिल एक्ट पढ़ लिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ लिया, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि याद है नहीं है, तो टुमारो के सेशन में हम पूरा का पूरा एक्ट्स पे क्वेश्चन सेशन करेंगे, ठीक है, ऑल एक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो डू रिवाइज एंड कम सो दैट अगर आपने पढ़ा है और फिर गलतियां हो रही है तो यू नो वेयर टू वर्क ऑन, ठीक है। सो दीज आर कमिंग प्लान्स। एट द सेम टाइम एक और कॉन्सेप्ट क्लास भी होगा पेरिप्लस ऑफ इथरन सी पे। आई थिंक दिस इज वन एरिया जहां पे हम थोड़े क्लूलेस रहते हैं, और ये एक ऐसा पेरिप्लस, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एंशियंट इंडिया में कहीं ना कहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप 10 ईयर्स एनालाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ पेरिप्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सी किताब है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द न्यू थिंग्स जो इस किताब में दी हुई है जो इस किताब को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। सो आई एम गोइंग टू टेक वन थ्योरी क्लास एज वेल यूट्यूब पे जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टिडबिट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आर कमिंग प्लान, इसको प्लीज नोट कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। 2023 का भी पेपर करेंगे हम लोग, का पेपर जो है इट्स गॉन फॉर टाइपिंग, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा रहे, क्योंकि स्क्रीनशॉट में क्या होता है ना, हिंदी इंग्लिश में फॉन्ट छोटा हो जाता है। तो वी विल जस्ट गेट, जैसे हमें पेपर्स मिलते हैं और जैसे हमें टाइपिंग क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, हम आपके साथ सेशन जरूर करेंगे। सो डोंट वरी, इन अ वीक वी विल गेट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप नोट करें कि कहाँ पे गलतियां हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको अक्टूबर 2023 में आया है, सॉरी 2022 में आया। लेट्स सी, कैबिनेट मिशन प्लान, देन वी हैव द वेवल प्लान, एटलीज अनाउंसमेंट, माउंट बैटन प्लान और क्रिप्स मिशन। सो इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। रिमेंबर, जब भी आप मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, दिस क्रोनोलॉजी क्वेश्चन इज डोमिनेटिंग, हमेशा आता है और इस साल भी आ रहा है, ये ट्रेंड चलते जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट में स्पेसिफिकली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, काफी सिंपल और बेसिक है। कैबिनेट मिशन प्लान, वी हैव वेबल प्लान, एटली की उद्घोषणा, माउंट बैटन प्लान और क्रिप्स मिशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, लेट्स सी हु गिव्स द आंसर एंड लेट्स गो। हाँ, मूवीज पर भी एक क्लास होगा शिवानी ऐप पे, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। दिस मंथ आई विल की, चलो। सो इस तरह तुमीन, भुवन, साक्षी, देन वी हैव स्नेहा, सचिन, अलकनंदा, देन वी हैव पद्मिनी, मोनिका, सुरभि, ठीक है, मनोज, एब्सोल्युटली करेक्ट, अर्जुन, बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर योर विदाउट फेल इज बी। तो ये वैसे तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडिया में कुछ अजीबो गरीब इवेंट्स आ गए हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। दीज आर द बेसिक प्लान्स जो हम सब पढ़ते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि आप ये आराम से फिगर आउट कर सकते थे अगर आपको सबसे पहला ऑप्शन पता था। तो यू नो वेरी वेरी वेल कि सबसे पहले हमारा क्रिप्स प्रपोजल आता है 1942। आपको सीधे सीधे पता है क्रिप्स प्रपोजल जो है ये आता है एट द सेम टाइम, है ना, हमारा क्विट इंडिया होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऑगस्ट ऑफर आता है 1940, है ना, हम वेट कर रहे होते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ये हमें डोमिनियन स्टेटस बोलता है। देन कम्स द क्रिप्स मिशन। और अगर आपको याद है तो जो रामगढ़ सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस रामगढ़ सेशन में हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हम वेट करेंगे टिल द टाइम सारी बातचीत खत्म ना हो जाए, ओनली वेन हर बातचीत एग्जॉस्ट हो जाए, कोई तरीका नहीं बचेगा, तब हम ऑल इंडिया मूवमेंट के लिए जाएंगे, है ना। एंड जब क्रिप्स प्रपोजल फेल हो जाता है तो हम रियलाइज कर लेते हैं कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं है आगे नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि इन क्रिप्स मिशन आल्सो डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, जनरली संविधान सभा की बात होती है, संविधान की बात होती है, बट हर वो क्लॉजेस जो वो उसमें लगाते हैं इट मेक्स इट इम्पॉसिबल की चीजें शायद हो, है ना। तो क्रिप्स प्रपोजल वेरी इंपॉर्टेंटली, फिर आता है हमारा वेबल प्लान 1945 जो आप सब जानते हैं, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, द वेरी फर्स्ट प्लान,
बिल्कुल, सो दिस इज 1946, देन इटली का अनाउंसमेंट होता है कि भाई हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, वी आर प्लानिंग कि हम भारत छोड़ के जाएंगे, एंड फाइनली हमारा माउंटबेटन प्लान होता है, ठीक है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो यू नो इट, क्रिप्स प्रपोजल 1942, वेबल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946, 16th में, 20th फरवरी 1947, एक बार आपको ये ईयर भी आया जहां पे अनाउंस करते हैं इटली कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स कह रहा है कि भाई हम 30 जून 1948 तक भारत छोड़ के जाएंगे, है ना, एंड देन कम्स द माउंट बैटन प्लान, 3rd जून प्लान 1947. यस, इट रिजेक्टेड द पाकिस्तान डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि एंड दे गिव मेनी रीजंस कि भाई पार्टीशन होगा, कम्युनिटाइज बिगड़ेंगे, और मे बी यू नो एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी में वो ब्यूरोक्रेसी में कनेक्शन नहीं रह जाएगा, तो ये दे गिव लॉट ऑफ रीजंस, एंड ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान का जो डिमांड है वो रिजेक्ट हो गया था. चलिए नंबर टू, सो वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये वुमेन पर्सनालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, रुक्मणी लक्ष्मीपति जो है ये मद्रास की थी, ये इनमें से किस इंसिडेंट के कनेक्शन में अरेस्ट हुई थी, क्विट इंडिया, देन वी हैव असहयोग आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह, या बेसिकली स्वदेशी. सो ये इंपॉर्टेंट है वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, रुक्मणी लक्ष्मीपति जो है ये इनमें से किस घटना के लिए स्पेसिफिकली गिरफ्तार हुई थी, सो लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर. ओके, सो पद्मिनी, प्रियंका, प्रद्युत, मनोज, अलकनंदा, अर्पिता, स्नेहा, सचिन, रेणु, देविका, साक्षी, पति, सागरिका, अर्जुन, ज्योति, करेक्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, करेक्ट आंसर सी है, सॉल्ट सत्याग्रह. तो इनके बारे में जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन, रुक्मिणी लक्ष्मीपति जो है ये पहली महिला एक्टिविस्ट थी मद्रास की, एंड स्पेसिफिकली इनका अरेस्ट हुआ था इन कनेक्शन विद सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली आप देखोगे ये पार्टिसिपेट की थी सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, ये जेल भी गई थी, एंड कहा जाता है ये पहली महिला प्रिजनर थी, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में. बाद में ये कॉन्टेस्ट करती हैं और इलेक्शन भी जीतती हैं मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1934 में, तो ये उनका कुछ और कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. नंबर थ्री, भगत सिंह और मुक्तेश्वर दत्त जो है इन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में, 1930 में एक रेड हुई थी पुलिस आर्मरी में चित्तागोंग में इन बंगाल, एंड ये रेड स्पेसिफिकली किया था राजबिहारी बोस और उनके एसोसिएट्स ने, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है. भगत सिंह और मुक्तेश्वर दत्त जो है इन्होंने अप्रैल 1929 में केंद्र विधानसभा में बम फेंका था, एंड 1930 में राजबिहारी बोस और उनके साथियों ने स्पेसिफिकली बंगाल के चित्तगांव के जो पुलिस शस्त्र घर था इस पर छापा मारा था, इस पर रेड किया था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. गाइज डोंट वरी अबाउट द मूवीज, आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल क्लास ऑन मूवीज, ठीक है, तो सिर्फ नितिन सिंघानिया पढ़ने से नहीं होगा, देर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू गिव यू, आप शुरू कर सकते हो नितिन सिंघानिया से, बट जनरली सम इम्पॉर्टेंट चीजें आई विल गिव इट टू यू, वी विल हैव वन थ्योरी सेशन, तो जितना आपके पास अभी मटीरियल है आप पढ़ो, उस पर इतना टेंशन मत लीजिए, फॉर टू क्वेश्चन यू नो डोंट ट्राई टू फोकस द टारगेट देर, पहले जो मेजर चंक है उसको आप खत्म करो, ये टिडबिट टॉपिक्स को आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मटीरियल ऑल्सो, और वरना जितना बेसिक है आप उतना पढ़ना शुरू कर दीजिए कि एक बेस बन जाए. चलिए, सो करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू गॉट इट राइट. सो चित्तगांव आर्मरी में कौन था, राजबिहारी बोस था या सूर्य सेन थे, सो ये हमारा टेक्निकली यहाँ पे ये गलत नाम है. और जो बॉम्ब फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कौन से दो बिल्स थे जो जनरली पास होने वाले थे, तो जनरली यू नो टू इंपॉर्टेंट बिल्स जो कई बार सेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दो बिल पास होने वाले थे प्रोटेस्ट के जरिए, है ना, एंड हमने ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था अप्रैल 1929, एंड बॉम्ब को जानबूझ के हार्मलेस बनाया गया था, ठीक है, वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि भाई हम मैसेज पहुंचा दे, किसी को हानि करना हमारा एम नहीं था. एंड 1930 में चित्तागोंग में बंगाल में सूर्य सेन उनके एसोसिएट्स रेड करते हैं, लेटर सूर्य सेन अरेस्ट हो जाते हैं एंड ही वॉज हैंग्ड. दिसंबर 1932 में दो और स्कूल गर्ल्स शांति एंड सुनीति चौधरी, ये भी स्पेसिफिकली शॉट डेड, जो मैजिस्ट्रेट थे त्रिपुरा के, इनको स्पेसिफिकली किल कर देती है, एंड जिनका नाम था मिस्टर सीवन. एंड ये सारे क्रांतिकारी गतिविधियां मोस्टली आप देखोगे इस टाइम पे जोर शोर से बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार जब चौरी चौरा हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको वापस ले लिया जाता है, तो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली यू नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग थोड़े क्लूलेस हो जाते हैं, लोग गांधी जी की लीडरशिप को क्वेश्चन करने लगते हैं, एंड दे टेक मैटर्स इन दी हैंड, एंड इसी टाइम पे इंडिविजुअल हीरोइज्म जो है ये बढ़ना शुरू होता है. तो ये तीन चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है,
ठीक है। नंबर फोर, इनमें से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो व्यक्ति है ये अहमदनगर और नासिक क्षेत्र में स्पेसिफिकली जो साहूकार थे, जो मनी लेंडर्स थे और जो अंग्रेज थे, इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर करने के लिए 5,000 रुपए का अवार्ड डिक्लेयर किया। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फोंड सावंत की, हम बात कर रहे हैं शिवकर बापू जी की, और वी टॉकिंग अबाउट नरसप्पा की, और वी टॉकिंग अबाउट राघोजी भांगरे। सो हु इज करेक्ट हियर? चलो, सो द करेक्ट आंसर, लेट्स सी हु इज करेक्ट हियर। करेक्ट आंसर हियर इज डी। अब इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। तो ये जो राघोजी राव भांगरे थे, स्पेसिफिकली ये हमारे इंडियन क्रांतिकारी थे जो मोस्टली ब्रिटिश पावर के खिलाफ महाराष्ट्र में उतरते हैं। इनकी ही वॉज द सन ऑफ रामजी भांगरा स्पेसिफिकली, और ये लोग ब्रिटिश रूल को मोस्टली चैलेंज करते थे। एंड कहा जाता था कि भाई ये बस 10 साल के थे जब उन्होंने महाराष्ट्र में ब्रिटिश के खिलाफ एक्चुअली आर्म्स एम्युनिशंस उठाया था। 1818 में मराठा एम्पायर डिफीट हो जाती बाय ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ कोरेगांव। आफ्टर दैट जो महाराष्ट्र के ट्राइबल्स होते हैं, स्पेसिफिकली राघोजी होते हैं, ये सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होते हैं। देन ये कैप्चर करते हैं ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी जहां पे उनका पैसा होता था। एट द सेम टाइम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेजिस्ट करते हैं पुणे में। 1844 में राघोजी राव और उनके जो ब्रदर होते हैं जिनका नाम होता है बापूजी भांगरे, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का नोज कट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट 20th सितंबर 1844 को राघोजी जो है एक ऑफिसर को किल करते हैं और 10 कांस्टेबलों को भी डेथ हो जाती है इनकी। 1845 में धीरे धीरे ये क्रांति स्प्रेड होने लगती है पुणे सतारा पुरंदर में। एंड जब ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगता है तब ब्रिटिशर्स इनको पकड़ने के लिए 5,000 रुपीज की जो अवार्ड है ये स्पेसिफिकली अनाउंस करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर फाइव। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था हाउस ऑफ लंदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में। कब हुआ था? 10th अगस्त 1947 को हुआ था, 4th जुलाई 1947 को हुआ था, 15th अगस्त 1947 को हुआ था, या 1st जनवरी 1947। पहले शायद ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट आपको पता है चौरी चौरा का डेट आ चुका है अक्टूबर वाले एग्जामिनेशन में। सो देर आर दीज डेट्स जिसपे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता है बट पढ़ते वक्त हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, लेट्स सी किसने ध्यान दिया है इसको पढ़ते समय। सो किस किस ने ध्यान दिया, चले देखते हैं। उमर ओके, सचिन ठीक है, टारगेट ज्योति, पद्मिनी, मनोज, प्रद्युत ओके, भुवन ठीक है, सागरिका, प्रियंका, साक्षी ठीक है। तो चलो मोस्ट ऑफ यू को याद है 4th जुलाई 1947। सो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स 4th जुलाई 1947। एंड स्पेसिफिकली जो माउंट बैटन प्लान है 3rd जुलाई 1947 का, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस, है ना। और इसको रॉयल सिग्नेचर मिला था एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन 18th जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट, ये जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरसी केस हुआ था ये कहां पे हुआ था? Under the Alipur bomb conspiracy case, at which place was the British Chief Magistrate Douglas King's force targeted by the bomb? Alipur bomb षड्यंत्र जो हुआ था 1908 में, इसके तहत ब्रिटिश मुख्य मैजिस्ट्रेट डगलस किंग फर्नांडिस को किस स्थान पर बम का निशाना बनाया गया था? चंपारण, और वी आर टॉकिंग अबाउट गोपालगंज, और हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की और मुजफ्फरपुर की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हियर इज डी, मुजफ्फरपुर। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। सो यू कैन सी श्री अरबिंदो हियर। तो ये जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरसी केस हुआ था ये पहला ऐसा स्टेट ट्रायल था जो इतने बड़े मैग्नीट्यूड में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करती है श्री अरबिंदो को एंड इनके साथ साथ बरिंद्र घोष और भी जो यंग क्रांतिकारी थे। इनको कॉन्स्पिरसी के हिसाब से चार्ज किया जाता है कि भाई आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, आप ब्रिटिश राजा के खिलाफ जो है ये लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, युद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा ट्रिजन है, सबसे बड़ी चीज है जिसको पनिशमेंट जो मिलेगा वो डेथ ही मिलेगा। ठीक है, एंड ये केस ड्रैग होता है, प्रिलिमिनरी हियरिंग होता है, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में जाता है, हियरिंग होता है, अप्रोक्सीमेट 1,000 आर्टिफैक्ट्स एविडेंस के तौर पे भेजे जाते हैं, 200 आप देखो 222 222 विटनेस आते हैं सेशंस कोर्ट में स्पेसिफिकली, 1,438 एग्जिबिट्स होते हैं, 2,206 विटनेसेस होते हैं। तो ये केस ऐसी मोस्ट ऑफ द टाइम तक ड्रैग होता है एंड जब तक ये कुछ ड्रैग हो रहा होता है ये पूरा का पूरा लॉ हमारा चल रहा होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रिजनर्स थे उनको काफी टॉर्चर किया जाता है स्पेसिफिकली कहां पे, प्रेसिडेंसी जेल में।
एट द सेम टाइम फाइनली जजमेंट आती है किसके द्वारा, जज बीच फोर्ड जो है, प्लीज इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है, इनके द्वारा 6 मई 1909 को जजमेंट आता है, आफ्टर 1 ईयर तक ये खिंचाता है, जहां पे श्री अरबिंदो को ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, एंड स्पेसिफिकली इनके साथ जो 37 प्रिजनर्स थे, जो इनके साथ थे जिन पे मुकदमा चल रहा था, इनमें से बरिंद्र घोष, जो स्पेसिफिकली कहा जाता था भाई ये जो क्रांतिकारियों की सीक्रेट सोसाइटी उसके हेड है वो, और उलास्कर दत्त जो कहा जाता है बॉम्ब बनाने में मदद करते थे, इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में चेंज हो गया, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस, आधे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया, आधे लोगों को अक्विट कर दिया गया, तो फाइनली इसका रिजल्ट ये था, ठीक है। मूविंग टू नंबर 7, कौन से हमारे भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये कहा है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है लेकिन वो विचार की मृत्यु के बाद 1000 जन्म जो है ये अवृत होंगे, सो हु सेड दिस, एन इंडिविजुअल में डाई बट जो आइडिया है आफ्टर हिज डेथ वो आइडिया 1000 लाइव्स में इनकार्नेट होगा, सो हु हैज सेड इट, अश्फाकुल्ला खान ने बोला है, भगत सिंह ने बोला है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है, और सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, सम ऑफ यू आर रॉन्ग, तो चलो करेक्ट आंसर हियर इज बी। अब कुछ मेजर कोट्स पढ़ लेते हैं चारों के, तो ये स्पेसिफिकली कहा गया है भाई सुभाष चंद्र बोस की, भाई एक व्यक्ति मर सकता है बट व्यक्ति का आइडिया उसकी डेथ के बाद 1000 और लोगों में जाके अवृत होगा, ठीक है। अशफाकुल्ला खान क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई देर इज नो ड्रीम एंड इफ देर इज, मेरे पास एक ही सपना है वो ये है कि टू सी माई चिल्ड्रेन, ठीक है, स्ट्रगलिंग फॉर द सेम एंड फॉर विच आई एम एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश। फिर आते हैं भगत सिंह, ये कहते हैं कि भाई बॉम्ब पिस्टल कोई क्रांति रेवोल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक है, रादर जो स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन है ये किससे शार्प होता है, बाय आइडियाज। एंड ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि भाई हमारी जो नेशन है वो पेड़ की तरह, इट्स लाइक अ ट्री, जिसका ओरिजिनल जो आपका ट्री का जो ओरिजिनल बार्क होता है, ट्रंक होता है, ये स्वराज्य है, और इसके जो ब्रांचेस है ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट है। तो ये चार मोस्ट पॉपुलर बहुत ही कॉमन से कोट्स है जो आपने रिवाइज कर लिया। मूविंग टू नंबर 8, अगेन ये अक्टूबर का प्रीवियस ईयर है, तारकनाथ दास, वी हैव सर्क्यूलर आजाद, वी हैव रामनाथ पुरी, फ्री हिंदुस्तान, देन वी हैव श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, एंड देन वी हैव इंदु भूषण डे, देन वी हैव ग्लैगलिक अमेरिकन। सो इनमें से कौन से हमारे बुक्स जर्नल्स हो गए, न्यूज पेपर्स हो गए, रेवोल्यूशनरीज के, क्रांतिकारीज के और उनके पेपर के, ठीक है। सो वी हैव तारकनाथ दास, देन वी हैव सर्कुलर आजादी, रामनाथ पुरी, मुक्त हिंदुस्तान, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारतीय समाज शास्त्री, एंड इंदु भूषण डे मजुमदार, गेलिक अमेरिकन। तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी हो गए और कौन से न्यूज पेपर्स हो गए। कीर्ति, वी विल डू अनदर सेशन, डोंट वरी, ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना 2022 के, इसका ऐप पे मैंने एंशियंट इंडिया रखा है, वन मोर सेशन आई विल हैव जिसमें वी विल डू मॉडर्न एंड आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ इट, ठीक है। चलो सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर, या बिल्कुल, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। कैसे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, बाद में वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड फिर हम लोग रैपिड फायर करेंगे, अभी लेट्स रिवाइज थ्रू, ठीक है। सर्क्यूलर ए आजादी बाय रामनाथ पुरी, ये एडिटर थे एंड स्पेसिफिकली इसके 3 इश्यू लॉन्च हुए थे फ्रॉम 1907 टू 1908 के बीच में। फ्री हिंदुस्तान आप सबको पता है, इट वॉज पब्लिश फ्रॉम वैंकोवर बाय तारकनाथ दास, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, एंड स्पेसिफिकली ये फाउंडर थे इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने इसको जनरली एडिट करना शुरू किया जनवरी 1905 में। देन वी हैव गेलिक अमेरिकन, ये स्पेसिफिकली एक आयरिश न्यूज़पेपर थी जिसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1903 से 1951 के बीच में, एंड इसको ओन कौन करता था, जॉन डेवो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनमें से कौन सी साल है जहां पे वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये भी प्रीवियस ईयर है, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये वन लाइन क्वेश्चन आया था, 1885, 1898, 1889 या 1926 या कोई भी नहीं या एक से ज्यादा, वैसे ये आप कट कर सकते हो क्योंकि आंसर है। ओके प्रियंका, ओके करेक्ट, देन चलो, सो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, प्रियंका, रेनू, अर्पिता, आई ये सब प्रीवियस ईयर ही है जो लास्ट ईयर ही आया है, सुरभि, कीर्ति, स्नेहा, अर्पिता, ज्योति, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1889, और कौन था
तो 10 वुमेन अटेंड करती है फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में 1889 में, एंड सिंस 1900 इवेंचुअली द नंबर ऑफ वुमेन ये इंक्रीज करने लगती है. एंड के गांगुली जो है यू ऑल नो दैट, ये पहली वुमेन डॉक्टर थी बंगाल की, जो पहली महिला होती है जो कांग्रेस प्लेटफॉर्म से बोलती है ना. एंड बाद में वुमेन जो है ये पार्टिसिपेशन इनका बढ़ने लगा था, कैलकटा बॉम्बे से बहुत सारी वुमेन्स हैं जो सेशन अटेंड करने लगी थी. ठीक है, बट ये याद रखिएगा 1889 में 10 महिलाओं ने हमारा सेशन अटेंड करना शुरू किया था. अब 1944 में कौन सी कमिटी ऐसी बनी थी जो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए बनी थी? कर्जन कमिटी, देन वी हैव थॉम्सन कमिटी, हम बात कर रहे हैं वुड कमिटी और एश्टन कमिटी की. अगेन सेम क्वेश्चन जो आपको अक्टूबर में आया है. So, 1944 में कौन सी कमिटी बनी थी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज? इसमें आप एक्चुअली एलिमिनेशन कर सकते हैं. यू नो थॉम्सोनियन कमिटी क्यों थी, वुड कमिटी क्यों थी, तो अगर आपको पता है एडुकेशनल कमिटीज कौन से हैं, बाय एलिमिनेशन आल्सो वी कैन गेट इट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज द एश्टन कमिटी. आप थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कमिटी स्पेसिफिकली बनी थी सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए यूके में. ठीक है, तो ये कमिटी ने बोला क्या, इनके हिसाब से ट्रेनिंग जो होती है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर लक्ष्य क्या है? तो ये कुछ ओरिजिनल इनके रिकमेंडेशंस है, लेट्स रीड इट थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको कभी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे. लेट्स सी, ये कहते हैं कि भाई हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इससे क्या होगा, हम एक ऐसा सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसको ना क्लैरिटी हो. ठीक है, जो ये नहीं कि आप काम को कैसे ग्रांटेड लेते हो कि अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, हु हैज क्लैरिटी जब भी वो कोई चीज ले रहा है. ठीक है, ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि भाई ये जब ट्रेनिंग मिलती है सिविल सर्वेंट्स को तो ही कैन चेंज द वर्ल्ड, वो ऐसे से टास्क ले सकते हैं जो दुनिया चेंज कर सकती है. इन अदर वर्ल्ड आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, आप नए टाइम से नए चीजों को अपनाने लगोगे जो कि जरूरी है. ठीक है, देन ये कहते हैं कि जब ट्रेनिंग मिलती है ना सिविल सर्वेंट्स को तो वो रोबोट की तरह नहीं होते. रोबोट क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ब्लाइंडली वो कर रहा है. ये कहते हैं कि भाई उनको पता रहता है कि क्या काम जरूरी है, कम्युनिटी को उनकी कितनी सर्विस चाहिए, उनका कितना योगदान होगा. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली ये भी कहते हैं कि जब ट्रेनिंग मिलती है ना तो उससे इंडिविजुअल सिर्फ खुद का करंट काम नहीं करता है, बट आप जब ट्रेन हो जाते हो तो आप बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज भी लेने लगते हो. तो आपके पास एक कैपेसिटी आ जाती है कि आप हाई वर्क करो और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लो. तो ये सब ना ऑब्जेक्टिव्स है कि क्यों ट्रेनिंग होता है. ये कमिटी सेटअप हुई थी सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए यूके में, और ये उनके रिकमेंडेशन है. ऑल्सो ये कमिटी रेकमेंड करती कि ट्रेनिंग क्यों चाहिए, क्योंकि भाई स्पेसिफिकली मान लो ट्रेनिंग के अलावा किस तरह की ट्रेनिंग, तो पुलिसमैन की ट्रेनिंग, फायरमैन की ट्रेनिंग, फूड इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग. देश देखिए किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग एक बहुत मेजर पार्ट होता है जिसको हम नहीं छोड़ सकते. ट्रेनिंग से ही जो आपके ऑफिसर्स है वो पीपल ओरिएंटेड बनेंगे, उनको पता चलेगा कि करना क्या. एट द सेम टाइम जो जनरल पब्लिक है उनके लिए रिस्पेक्ट, उनके लिए रिगार्ड आएंगे. एश्टन कमिटी ऑब्जर्व्स नथिंग कुड बी मोर डिजास्ट्रस than the civil service and people should think of themselves as in two separate camps. तो ये सब इनके recommendations हैं क्यों training important है और training से एक civil servants aspirants को क्या फायदा होता है और कैसे वो job के लिए ज्यादा useful हो जाते हैं. ठीक है, number 11, लेडी कैथरीन मियो, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद एंड भगत सिंह, एंड बेसिकली कौन किससे एसोसिएटेड है, कौन सी किताब है, कौन सा जर्नल है. So we have India divided, why I am atheist, Mother India and guilty men's of India's partition. So list one, list two हमें match करना है. Lady Catherine Mio, then we have Rajendra Prasad, Ram Manohar Luhia, Bhagat Singh. ठीक है, so we have India divided, Mother India, then we have very very importantly the guilty men's of India's partition and why am I an atheist. चलो, so let's see, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. So the correct answer here is A. तो without fail इसको याद भी रख लीजिएगा. ठीक है, लेडर कैथरीन मियो आप सबको पता है मदर इंडिया. तो जनरली अगर आपको ये पता था कि ए का टू होगा तो आप इसे सीधा सीधा एलिमिनेशन भी, और ये प्रीवियस ईयर है, यू कैन अगेन से आप सीधा सीधा एलिमिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव राजेंद्र प्रसाद जिनका बुक है बेसिकली इंडिया डिवाइडेड, देन वी हैव राम मनोहर लोहिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन एंड भगत सिंह वाई एम आई एन एथिस. ठीक है, चलिए, देन वी हैव नंबर 12. इनमें से कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज तो क्लियर किया बट बाद में ये डिस्चार्ज हो गए बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी की, हम बात कर रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर की, वी आर टॉकिंग अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले और सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. ये ई आप हटा सकते हो क्योंकि इनमें एक आंसर है. ओके,
सो करेक्ट, वेरी इजी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, बट हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब इन करेंगे यहाँ पे. हमारा करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. अब इनके बारे में, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इंडियन बर्क और राष्ट्रगुरु भी कहा गया है. ये इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी करते हैं. इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर किया था 1869 में, डेट भी याद रखिएगा, ठीक है. बट बाद में यू नो बार्ड हो गए थे क्योंकि इनकी एग्जैक्ट एज पे कुछ प्रॉब्लम और डिस्प्यूट हो गया था. बाद में ये मैटर कोर्ट में जाता है, ये फिर से एग्जाम क्लियर करते हैं 1871 में, और ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बनते हैं साइलेंट के. बट मोस्टली बाद में ये फिर से जो डिसमिस हो जाते हैं ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. और आप सबको पता है सत्येंद्रनाथ जो है ये 1863 में पहले इंडियन होते हैं जो आईसीएस क्वालिफाई करते हैं, ठीक है. तो इनके ना एग्जाम डेट्स वगैरह याद रखिएगा, इनका टाइटल्स याद रखिएगा. नंबर 30, इनमें से कौन थे विच वॉज नॉट अमंग द सेवन स्टूडेंट्स मार्टर्ड इन द बिहार सेक्रेटेरिएट गोलीकांड. इनमें से कौन बिहार सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए सात शास्त्रों में शामिल है, सॉरी शामिल नहीं है. सो वी हैव जगतपति कुमार, हम बात कर रहे हैं देवीपद चौधरी, वी टॉकिंग अबाउट सतीश प्रसाद, या हम बात कर रहे हैं मुन्ना बाबू की. कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े यूनिक दिखेंगे, वो इसलिए कि आप जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रैब इन कर लो. सो ये सब क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो यू डोंट हैव टू रियली केयर, जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेनेशन ग्रैब इन कर लीजिए ताकि आपको बेसिक्स पता हो, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, मुन्ना बाबू. तो अब देखते हैं कि ये क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें शामिल है. अब देखिए, जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बहुत ही हाई पोजिशन पे चल रहा था, बहुत ही हाइट पे चल रहा था, तो यहाँ पे डॉक्टर अनुराग नारायण जो है ये अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि नेशनल फ्लैग पटना में फहराया जाए, ठीक है. एंड बेसिकली श्री कृष्ण सिन्हा जो थे ये भी अरेस्ट हो जाते हैं. आपको याद होगा जब 1942 आपने क्विट इंडिया पढ़ा था तो क्विट इंडिया का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि हम जो ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स थे, जो उनका पावर था, उनका सिंबल था, सॉवरिनिटी था, हम उन बिल्डिंग्स पे अपना ध्वज जो है वो अनफोल्ड कर रहे थे. दिस वॉज द स्टार्टिंग फेज जहां पे हम पब्लिक बिल्डिंग्स को टारगेट करके अपना ध्वज लगा रहे थे. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर अनुराग नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, ये सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम लोग अपना ध्वज फहराते हैं. इनके साथ सात स्टूडेंट, सात जो बच्चे होते हैं ये भी अरेस्ट होते हैं, ठीक है. एंड मोस्टली आप देखोगे जब ये फोर्सफुली झंडा फहराते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे फायर शॉटिंग करने लगती है. तो यहाँ पे वो लोग, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राम टेक्निकली राममोहन रॉय सेमिनारी, क्लास 9 के थे, नरेंद्रपुर सारण से. देन वी हैव रामानंद सिन्हा, अगेन राममोहन रॉय सेमिनारी, क्लास 9 के थे ये हमारे, अगेन शहादत नगर से. देन वी हैव सतीश चंद्र झा जो पटना कॉलेज रेरियत स्कूल के थे. देन वी हैव जगतपति कुमार जो अगेन बिहार नेशनल कॉलेज के सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे. देन वी हैव देवीपद चौधरी जो मिलर हाई स्कूल के स्टूडेंट थे क्लास 9 के. राजेंद्र सिन्हा जो पटना हाई स्कूल के स्टूडेंट थे 10th क्लास के. एंड वी हैव राम गोविंद सिन्हा जो पुनपुन हाई स्कूल के स्टूडेंट थे 9th क्लास के. तो ये मोस्टली सेवन स्टूडेंट्स थे जो जनरली ब्रिटिशर्स ने जिनको शॉर्ट फायर किया था, जो ध्वज लहराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. नंबर 14, इनमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली शुरू किया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका यूएस में. बाल गंगाधर तिलक, देन वी आर बिपिन चंद्रा, हम बात करें लाला लाजपत राय की और अरबिंदो घोष की. सो विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिगैन द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन द यूएस? यस, मयूरी करेक्ट, स्नेहा, अर्जुन, ठीक है. तो आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो जनरली उसको बस दिमाग में रखिएगा. करेक्ट आंसर हियर इज बी. नाउ लेट अस सी कि इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है लाला लाजपत राय. 1914 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस डेलीगेशन. वहां से वो यूएस जाते हैं जहां पे वो 5 साल के लिए रहते हैं. 1916 में वो स्थापना करते हैं इंडियन होम रूल लीग का यूएस में, ठीक है. और इनके और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. 1923 में आपको याद होगा स्वराज पार्टी बना था, याद है, जब प्रो चेंजेस नो चेंजेस हमने पढ़े थे. एक ने बोला था काउंसिल एंट्री करते हैं, एक ने बोला था नहीं कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं. तो यहाँ पे जनरली जब पार्टी डिवाइड होने लगी थी तो रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट डिवीजन हो गया था. तो यहाँ पे लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, मदन मोहन मालवीय, ये सारे रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप के थे, है ना. इनकी पब्लिकेशन द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब टू इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया. इन्होंने बायोग्राफीज लिखा था मजनी की, गरिबाल्डी की, स्वामी दयानंद की और पंडित गुरुदत्त की. एंड याद है 1920 जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो इन्होंने कोलकाता सेशन की प्रेसिडेंसी भी की थी, ठीक है. तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनके बारे में. मूविंग टू नंबर 15, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है.
हमारी फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन था ये किस सेशन में आया, कौन सा आखिरी सेशन है बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन सा पहला सेशन है जिसको एक महिला ने हेड किया था, और नेशनल प्लानिंग कमिटी कब सेटअप हुई थी। ठीक है, तो दिस इज तो वेरी इजी, इसको तो हमने फटाफट कर लेना चाहिए। सो रिमेंबर जो कराची सेशन हुआ था हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट 1931 कराची सेशन, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपनी गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया था, फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन और जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था ये आया था, है ना। 1917 वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज याद रखिएगा कौन सा एनी बेसेंट द्वारा है, कौन सा सरोजिनी नायडू द्वारा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पेसिफिकली जो प्लानिंग कमिटी वो बनती है, और ये हमारा आखिरी सेशन है। ठीक है, करेक्ट। चलो, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मूविंग टू नंबर 16। साइमन कमीशन के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। याद है साइमन कमीशन आया था जिसको हमने बॉयकॉट किया था, तो साइमन कमीशन ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे, तो इनमें से कौन सी चीजें जो साइमन कमीशन ने बोला था। फर्स्ट, इन्होंने बोला था कि भाई डायरार्की को रिप्लेस कर देते हैं और एक प्रांत में ना जिम्मेदार सरकार बनाते हैं। इन्होंने बोला था कि भाई इंटर प्रोविंशियल काउंसिल बनाते हैं अंडर होम डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला था स्पेसिफिकली कि भाई बाइकैमरल लेजिस्लेचर को सेंटर में खत्म कर देते हैं, और इन्होंने बोला था कि भाई इंडियन पुलिस सर्विस बनाते हैं जो बेसिकली पैसा वैसा इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, ब्रिटिशर्स को रिक्रूट कर सकती है। तो इनमें से कौन से रिकमेंडेशन है साइमन कमीशन की। बट एक से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत और रिकमेंडेशन बताना पड़ेगा, तो कौन बताएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। आप देखो क्योंकि यहाँ कोड्स नहीं है, तो जनरली भी अगर आप कंफ्यूज होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। सो विच इज करेक्ट, लेट्स सी हु गेट्स दिस। सो चलो, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए है। अब ए क्यों करेक्ट आंसर है, लेट्स सी। सो अगर आपको याद होगा तो साइमन कमीशन आया था, याद है जब 1919 का हमारा एक्ट आया था, 1999 बहुत क्लियरली कहता है कि भाई 10 साल बाद एक कमीशन सेटअप होगा जो संविधानिक रिफॉर्म्स देखेगा, करेगा, सोचेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, साइमन कमीशन आता है, सबसे पहली चीज ये जो 1919 एक्ट आती है क्या करती है, डायरार्की लेके आती है। कहां पे, याद है, प्रांतों में, प्रोविंसेस में। और बाद में 1935 इसको रिमूव करके सेंटर में डायरार्की लेके आता है, ये तो क्लियर है। तो साइमन कमीशन सबसे पहले ये कहती है कि भाई देखो ये जो डायरार्की का सिस्टम है ना, इसको प्रांत से हटाओ, प्रांत में स्पेसिफिकली इसको अबॉलिश कर दो। सेकंड क्या कहती है, ये कहती है कि भाई जो गवर्नर जनरल है उनका पूरा कंट्रोल रहेगा कैबिनेट पे। ये कहती है कि भाई जो प्रांतीय काउंसिल है, प्रोविंशियल काउंसिल है, इनके मेंबर्स को बढ़ा दो। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कहती है हाँ हाँ इंडिया के लिए हम लोग फेडरल सिस्टम करेंगे, बट तुरंत नहीं करेंगे, फ्यूचर में वी विल सी। ठीक है, स्पेसिफिकली अगेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है इन सबका हाई कोर्ट पे मेजर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जो मेजर प्रॉब्लम था, ये कहते हैं कि भाई जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है ना, ये जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रिकमेंडेशन करते हैं एवरीबडी, याद है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बालूचिस्तान को, ये कहते हैं कि भाई इनको अपना खुद का लेजिस्लेचर दे दो, ये सेंटर में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और ये कहते हैं कि भाई सिंध को आप बॉम्बे से अलग कर दीजिए, बर्मा को इंडिया से अलग कर दीजिए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जो स्पेसिफिकली साइमन कमीशन ने हमें दिया था। प्रॉब्लम क्या है, एक और, इन्होंने बोला हम कि सेंटर में ना कोई भी एक जिम्मेदार सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे मोस्टली जिससे हमें प्रॉब्लम हुए, क्योंकि हम ये कमीशन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, बट अल्टीमेटली बहुत सारे रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं थे, है ना। चलिए, नंबर 17, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को बेस्ट दर्शाती है। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय बुर्जुआजी लीडर जो जमींदार इंटरेस्ट को सेव करना चाहते थे। इसको ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था क्योंकि वो चाहते थे ना कि भाई इंडिया का जो डिस्कंटेंट है इंडियंस का, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए रिलीज करने के लिए। ये बेसिकली शुरू हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क जो किया था हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने, या ये बेसिकली शुरू हुआ था सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल रिफॉर्म हमारे सोसाइटी में लाने के लिए। तो कौन सी बेस्ट स्टेटमेंट है जो सेफ्टी वॉल्व को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है। सो यू नो वेरी वेरी वेल सेफ्टी वॉल्व, तो पूरा का पूरा कांग्रेस का लॉजिक क्या, यू नो हमें कांग्रेस की जरूरत थी बिकॉज वी नो कि हमारे जो प्री कांग्रेस एसोसिएशंस है इन द लॉन्ग रन इट डिडंट गेन दैट मच जो हमें चाहिए था। तो वी न्यू कि हमें एक ऑल इंडिया एसोसिएशन चाहिए जो हमारा एक नर्व सेंटर बने। एंड ब्रिटिशर्स ने क्यों इसमें मदद की, जो पूरा का पूरा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई देखो एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हो सकती है, तो टू मेक श्योर कि भाई ये ना हो इनको एक एसोसिएशन बना के दे दो। क्यों,
तो जैसे मैंने आपको हमेशा बोला, मान लो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कई बार आप अपने फ्रेंड से बात कर लेते हो, अपने मम्मी पापा से हम बात कर लेते हैं, या अपने भाई बहन से बात कर लेते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना थोड़ा भड़ास निकाल के। ऑब्वियसली सिचुएशन वही रहेगा बट आपको बेटर फील होता है। तो इनको यही लगा था, यही पे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये कहती है कि भाई इन्होंने बोला ना कि इंडियंस को एक जरिया दे दो, एक एसोसिएशन दे दो, जिसमें वो आएंगे, जो भी डिसकंटेंट है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाएगा, सो दैट 1857 जैसा युद्ध वॉरशेड मोमेंट फिर ना आए, लोग आएंगे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे चले जाएंगे। तो टाइम बीइंग के लिए ये हमें बेस्ट सूट करता है किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब जॉर्ज यूल पहले इंग्लिशमैन थे जो कांग्रेस को प्रिसाइड कर रहे थे, लॉर्ड रिपन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के टाइम पे थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो कौन से स्टेटमेंट है जो सही है? सो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज, लॉर्ड रिपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, देन यू हैव डब्ल्यू सी बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। सो दिस इज इजी विदाउट फेल, करेक्ट आंसर सी है 1, 3 एंड 4। ये आपको जनरली पता है किसके टाइम पे हुआ था, तो वी ऑल नो ये रिपन नहीं होंगे, ये हमारे डफरेन होंगे, है ना, एंड बाकी सब हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। मूविंग टू नंबर 19, याद है जब क्रिप्स मिशन आया था तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन था? और जो हमारे ऑफिशियल वक्ताकार थे वो कौन थे? महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू या मौलाना आजाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किडवाई। तो ऑफिशियल नेगोशिएटर्स कौन थे क्रिप्स मिशन के? ओके, सो आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पॉट ऑन, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद। नंबर 20, इनमें से जो विलियम वेडबर्न एंड जो डब्ल्यू एस कायने हैं, इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई थी 1893 में। इसका पर्पस क्या था, क्यों बना था ये? इंडियंस के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बोलना हाउस ऑफ कॉमन में, या ये चाहते थे कि यू नो इंडियंस को एंट्री करा दिया जाए जुडिशियरी में, या ये चाहते थे कि भाई इंडिया के बारे में ना डिस्कशन हो जाए कैसे आजादी मिलेगी, या ये कमिटी बनी थी कि जो एमिनेंट इंडियंस हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडियंस हैं, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसाया जाए। सो 1893 में, पहले तो ये ईयर याद रखिएगा, विलियम वेडरवर्न और स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एस कायने जो है, इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई थी। ये क्यों बनी थी? भारत में राजनीतिक सितारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलना, या बेसिकली यू नो स्पेसिफिकली हमारे लिए इंडियंस को जुडिशियरी में घुसाना, या ब्रिटिश सांसद में स्वतंत्रता की बात करना, या ब्रिटिश सांसद में जो व्यक्तिगत भारतीय थे, जो एमिनेंट इंडियंस थे, इनको बोलना कि भाई इनको आप एंट्री दो। सो विच इज करेक्ट, परफेक्ट। तो ये कमिटी जो बनी थी, प्लीज याद रखिएगा, बाय विलियम वेडरबर्न और स्पेसिफिकली डब्ल्यू एस कायने, ये कमिटी सेटअप हुआ था इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी 1893 में, ताकि हमारे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, राजनीतिक रिफॉर्म्स है, इसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन में जाके एजिटेट करना एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके आंदोलन करने के लिए, ठीक है। नंबर 21, इनमें से नेहरू रिपोर्ट ने कौन सी चीजों को रेकमेंड किया है? कंप्लीट आजादी फॉर इंडिया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स जो है उसका प्रोविजन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, और स्पेसिफिकली यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन विच इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? रिमेंबर नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला था? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट कहती है भाई लिंग्विस्टिक प्रांत होने चाहिए, नेहरू रिपोर्ट कहती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली 19 फंडामेंटल राइट्स जो सबको दिए जाएंगे। हमने ये बोला कि भाई हम ना सेंटर में एक जिम्मेदार सरकार जो है ये हम सेटअप करेंगे। हमने बोला कि भाई जो माइनॉरिटीज है ना उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों का हम ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो एक रिलीजन पे फोकस करेगा, सारे जो स्टेट्स है वो न्यूट्रल रहेंगे, है ना। तो 2 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बोला था, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस बोला था। यहीं पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था क्योंकि जो यंगर एलिमेंट्स है इन्होंने बोला कि भाई अभी भी 1928 में सब कुछ होने के बाद क्यों हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, इट वॉज कॉन्ट्रोवर्सी। और ये 2 बिल्कुल हमारे सही है, ठीक है। नंबर 22, लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्यों था इंपॉर्टेंट? सबसे पहले क्योंकि यहां पे कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया,
क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बीच के जो मतभेद थे वो सॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन पास किया जहां पे हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर 1928 जब हमने नेहरू रिपोर्ट दिया था और जब हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, इसके बाद हमने डेडलाइन दिया था जिसके बाद इरविन का डेक्लेरेशन आता है। इरविन के डेक्लेरेशन में ये बोला जाता है कि डोमिनियन स्टेटस तो देंगे बट कब देंगे ये फिक्स नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे। एंड देन हम सबसे पहले लेके जाते हैं अपना दिल्ली मैनिफेस्टो, याद है? इन दिल्ली मैनिफेस्टो हम कहते हैं कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहले हम कहते हैं कि कांग्रेस मेजोरिटी में रहेगी इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड हम ये कहते हैं कि भाई देखो आपने अभी बोला ना डोमिनियन स्टेटस दोगे, तो हम लोग राउंड टेबल में डिस्कस कर लेंगे डोमिनियन स्टेटस कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट? एंड देन थर्ड हमने बोला कि एक पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन तैयार करेंगे, जहां पे स्पेसिफिकली जो इरविन है ये स्ट्रेट अवे कहते हैं कि भाई ये रीजन नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद 1929 का ये मेजर लाहौर सेशन आता है जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या कहते हैं कि हमें कंप्लीट आजादी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और यहां पे हम कहते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो ये सेशन बहुत ही हिस्टोरिक इस वजह से होता है, ठीक है? With reference to आजाद हिंद फौज कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने शुरू किया था इंडियन आर्मी, जिनका काम था ब्रिटिशर्स से इंडियंस को लिबरेट करना। 1893 में सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था एक इंटरिम गवर्नमेंट जिसको स्पेसिफिकली इन मलेशिया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था इंटरिम गवर्नमेंट, मलेशिया ने सिंगापुर, ठीक है? एंड ये बिल्कुल सही है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने शुरू किया था टेक्निकली इंडियन आर्मी, जिनका काम था ब्रिटिशर्स से इंडिया को लिबरेट करना, ठीक है? 24, इनमें से कौन है जो बहुत क्लोजली एसोसिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड गोपाल कृष्ण गोखले से, और जिनको गांधी जी द्वारा दीन बंधु का टाइटल भी दिया गया है? हम बात कर रहे हैं चार्ल्स फ्री एंड्रूज की, हम बात कर रहे हैं सर विलियम जैक्सन की, एंड्रू मेटकाफ की, और वी टॉकिंग अबाउट पीटर फ्रियरर न्यूफील्ड। चलो ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज चार्ल्स फ्रियरर एंड्रूज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 1932 में किसने लोथियन कमिटी के सामने स्पेसिफिकली एविडेंस दिया था? एंड ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी बनती है 1938 में। सो हम बात करें अरुण आसफ अली की, हम बात करें राजकुमारी अमृत कौर की, उषा मेहता की और सरोजनी नायडू की। Okay, so the correct answer here is C. So 1932 में she gave the evidence before the Lothian Committee on Indian Franchisee and President बनी थी All India Women Conference की 1938. So this winds up the session and ये है हमारा homework question. तो please इसका answer comment section में दीजिएगा। कल सबसे पहले हम देखेंगे किन किन लोगों ने comments में सही जवाब दिया है। न्याय स्कूल जो है ये specifically किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी? So कपिल मुनि, then we have कर्नन, then we have गौतम और आदिनाथ। So please write it in the comment section without fail. और कल शुरू करेंगे एवरीवन, ये आपने ऑलरेडी देख लिया हमारा प्लान। कल हम यूट्यूब पे करेंगे कॉलोनियल एक्ट्स पे क्वेश्चन सेशन, जहां पे हम रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो प्लीज डू नॉट मिस, 3 बजे ज्वाइन मी शार्प। ऑल द ईयर वाइज कंपाइलेशन आपको मिलेगा यूट्यूब पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर फ्री PDF एंड क्विजेस प्लीज स्कैन दिस QR कोड। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू लव द सेशन, आई होप कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां मिली, आई होप कि आपको पता लग रहा है कि कहां गलतियां हो रही है, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, राइट? सो कल मिलेंगे 3 बजे विथ एक्ट्स। तो एक बार एक्ट्स को आप जरूर रिवाइज करके आ जाइएगा, ताकि जब हम करें ना तो आपको पता लगे कि क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ये हमारा मेजर अभी व्यू पॉइंट है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, मेक योर टारगेट, स्मैश इट, हिट योर गोल्स, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो इनहेल द फ्रेश एयर ऑफ पॉजिटिविटी एंड मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। तो पॉजिटिविज्म के साथ शुरू करना है फिर से नया स्ट्रेच 2 मंथ्स का, एंड यू विल श्योरली रॉक इट। सो लेट्स स्टार्ट, कल मिलेंगे कॉलोनियल एक्ट्स के साथ।